सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पुनियाल का नमस्कार। आज के स्टूडियो के माध्यम से हम उन स्टूडेंट्स के एक न्यूज़ लेके आए हैं जो कर्नाटका के हैं और यूक्रेन से रिटर्न आए हैं। ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट ऐसे थे जो यूक्रेन से वॉर की सिचुएशन के कारण वापस इंडिया में आए और अभी वो इंडिया से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में सारी डिटेल बताने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपने यदि हमारा इस चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके कंटिन्यूशन में हम आपको बताना चाहेंगे कि 21 तारीख को मंडे को विधानसभा कर्नाटका में जो वहाँ के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर के सुधाकर, उन्होंने यूक्रेन से रिटर्न स्टूडेंट के साथ मीटिंग की थी और उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो चांसलर हैं और जो उनके डायरेक्टर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, और कुछ कॉलेज के डायरेक्टर्स और डीन की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें ये देखा जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि इन सभी 700 स्टूडेंट्स को जो कर्नाटका के हैं और यूक्रेन से रिटर्न को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। और बताया गया है कि इन 60 जो वहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उन 60 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा। ये ऑफिशियली पॉसिबल नहीं होगा लेकिन इनकी स्टडीज़ में किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं आए और स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को और प्रैक्टिकल्स को विदाउट किसी हर्डल के कंटिन्यू करें तो इन सभी 60 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इन स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन स्टूडेंट्स को डिग्री यहाँ से मिलेगी, सिर्फ इनकी एजुकेशन कंटिन्यूशन के लिए ऐसा किया जाएगा जब तक यूक्रेन में स्थिति वापस से नॉर्मल नहीं होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने सारे स्टूडेंट्स को वहाँ से एयरलिफ्ट किया, सभी स्टूडेंट्स को वापस सुरक्षित अपने देश में लेके आए। और उन्होंने ये भी क्लियर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नेशनल मेडिकल कमीशन को वो ऑलरेडी एक रिपोर्ट बना के भेज चुके हैं कि किस तरीके से उनका प्लान है इन सभी स्टूडेंट्स में फैसिलिटेट करने का, तो अब उसमें फाइनल जो डिसीजन है वह नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से आना बाकी है। इसमें आगे क्या अपडेट आती है, जो भी अपडेट हमें मिलेगी हम आप सभी को वीडियो के द्वारा अपडेट करने की कोशिश जरूर करेंगे। मीनवाइल हम दुआ करते हैं कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी इसी तरीके से यदि अपने अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एजुकेशन के टाइम में भी और जो उनकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएँ, उनके प्रैक्टिकल्स कंटिन्यू रहें, उसमें यदि उनको हेल्प करती है तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी यदि कोई भी न्यूज़ हमारे पास आती है तो ज़रूर हम आपको वीडियो के थ्रू अपडेट करना चाहेंगे। धन्यवाद।